हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल और दो दिन के बाद मैं आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि क्योंकि मैंने ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स चालू किया है तो सारे वीडियोस उसके बन रहे हैं तो व्लॉग बनाने को मुझे टाइम नहीं मिल रहा है और शायद मैं थोड़ा सा दूसरे यूट्यूबर से थोड़ा सा लेज़ी मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि वो लोग रात को दो दो बजे तक काम करते और मैं तो 12 बजे मेरी बैटरी डिस्चार्ज पूरी तो गाइस अब मैं आज से कोशिश करूँगी कि रात को दो दो बजे तक मैं अपना यूट्यूब का काम करूँ, करना पड़ेगा ताकि मुझे ऑनलाइन ब्यूटी का कोर्स के लिए एक वीडियो बनाना है ऑल्टरनेट डेज के लिए और व्लॉग भी तो मुझे डेली का बनाना है तो व्लॉग नहीं बनाऊंगी तो आप लोग बोलोगे मैम आप क्या कर रही हो, कहाँ हो, दिख नहीं रही हो, कैसी हो। तो इसके लिए मुझे व्लॉग तो ज़रूर से बनाना है कि मेरी डेली लाइफ में क्या रूटीन चल रहा है। तो गाइस अभी तो मैं निकली हूँ पार्लर के लिए पर उसके पहले मैं जाऊँगी सारा मटेरियल लेने। मुझे एडवांस सब ब्यूटी कोर्स का सारा मटेरियल लेना है, वो सब ले लूँगी ताकि वो मैं क्लास वालों को भी सिखा सकूँ और साथ साथ मैं आपको भी सिखा सकूँ। और उस बीच में मुझे ये वीक में ना ब्राइडल मेकअप का एक वीडियो शूट करना है पर वो मेकअप मैं आपको घर पे ही करूँगी, पार्लर पे पॉसिबल मेकअप नहीं है। मेकअप को पूरा टाइम चाहिए, अच्छे से चाहिए तो मैं वो पूरा मेकअप घर पर शूट करूँगी। और बस अब ड्रीमी आ रही है और उसका एग्ज़ाम है 14 को, एग्ज़ाम होने के बाद आएगी 22 का, नहीं 21 का टिकट निकाला है, पहले 22 डिसाइड किया था फिर 21 का कल टिकट निकाल लिया है हमने। और बस मैं उसकी सब तैयारी, उसका कबोर्ड वगैरह मुझे जगह कर देनी पड़ेगी, मैंने सब भरा है उसमें। तो फिर चिल्लाएगी, आएगी बोलेगी मम्मा ये क्या किया आपने सब कुछ, मेरे कबोर्ड में सब क्या डाल के रखा है। तो वो सारा मुझे सब अरेंज करके रखना है, उसका कबोर्ड वगैरह, उसका रूम सब अरेंज कर देना है ताकि आए तो फिर वो मतलब फिर भी मुझे टाइम नहीं मिलता ना पार्लर पे तो उसको भी लेके भागती हूँ मैं। और गाइस पता है बहुत टेंशन हुआ था दो दिन इतना टेंशन हुआ था ना कि पूछो मत। उसके है ना कान में, हम लोग कैसे ऐसे कान के रिमूव करने वाले पहनते हैं ना, पर उसका ना कान का होल बहुत छोटा है, मतलब अति ड्रीमी का, तो उसमें ना हाँ मैंने पतले वाले तार जिसमें थोड़े से हीरे लगे हुए ऐसे पिनाए थे और उसको नीचे से पैक करवा दिया था। तो MCA की एग्ज़ाम के लिए ना गाइस गोल्ड कुछ भी पहन के नहीं जाना है, वहाँ पे वो लोग काटने को लगाते थे। तो मुझे सडनली याद आया कि बेटा आपने तो कान में वैसा पहना है, आपको तो सारा निकालना पड़ेगा। तो फिर ढूँढो दिल्ली में ज्वेलर्स ढूँढो, फिर गूगल सर्च किया, ज्वेलर्स मिल गया। एक ज्वेलर्स को पूछा कि मेरे कान के ऐसे हैं तो जो बच्चे लोग पहनते हैं पूरा पैक कर देते हैं ना उसको, तार को फोल्ड करके पकड़ से, वैसे हैं तो आप निकाल के दोगे? तो वो ज्वेलर्स बोलता है नहीं, हम लोग तो बच्चे लोग को स्क्रू वाले पहनाते हैं। तो फिर वही टेंशन में कल का आधा दिन निकल गया, परसों की रात और कल का आधा दिन। फिर बाद में देखा तो एक दूसरा ज्वेलर्स को फ़ोन किया तो उसने बोला कि हाँ मैं निकाल दूंगा। तो थैंक गॉड के, और वो बाजू वाली जो दीदी जो PG के लिए हॉस्टल में रहती है ना, तो जो PG के लिए जो दूसरी दीदी है ड्रीमी को बोली कि मैं आऊँगी आपके साथ तो हम जाके निकाल के आएंगे। तो थैंक्स टू दैट दीदी कि वो आई और अतिथि को हेल्प किया, क्योंकि जहाँ पे मम्मी नहीं होती है ना साथ में तो दूसरे लोग काम आ जाते हैं तो उनको इतना अच्छा लगता है ना उनके लिए कि सही में कोई एंजल मिल गया। क्योंकि ज्वेलर्स के यहाँ जाना बच्चे लोग को पॉसिबल नहीं है, कभी गए नहीं, मम्मी के बगैर तो वो लोग कभी गए नहीं। तो बस जाके उसने रिमूव करवा लिया, पर मुझे यहाँ पे बहुत टेंशन हो रही थी कि कहीं ज्वेलर्स उसको कुछ किधर लगा ना दे, और लग गया तो फिर है ना दिल्ली में डॉक्टर लोग के भी वांदे हैं, डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं, दवाखाने में जाओ तो हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। अपने यहाँ हमारे बॉम्बे में तो कैसा है, स्मॉल डिस्पेंसरी रहती है जगह जगह पे, तो कहीं भी डॉक्टर के पास चले गए थोड़ा सा छोटा मोटा दवाई ले लिया तो ठीक हो जाता है, पर वहाँ पे कुछ भी चीज़ के लिए ना हॉस्पिटल जाना पड़ता है
और उसके हॉस्टल के पास एक लेडी डॉक्टर है, पर वो ऑलवेज बंद, ऑलवेज बंद, जब भी जाओ उसका बंद ही रहता है। तो गाइस ये सब परेशानी में चल रही थी मैं, तो जब वो रिमूव कर दिया, और उसने गले में चेन भी पहना था तो वो भी रिमूव करवा दिया मैंने, और बोला कि गोल्ड वगैरह कुछ भी नहीं पहन के जाना है, ना धागा दोरा कुछ भी नहीं, और बालों में भी रबर बैंड, सादा सा रबर बैंड लगा के जाना है। तो ये सब गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स के लिए ना, तो सब गाइस ये सब करना पड़ता है, बहुत परेशानी है। उन लोग का भी सही है ना, कि वो लोग सोचते हैं शायद कहीं कैमरा वगैरह वो लोग छुपा के लेके जाए या कुछ, पता नहीं, इसलिए इतना चेकिंग होता होगा, पता नहीं। तो ये सब गड़बड़ चल रही थी गाइस, और आज साक्षी आ गई है तो मैं जल्दी जल्दी निकलती हूँ, साक्षी को भी मिलूँगी। मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है कि मैं कब उससे मिलूँ, और बस मटेरियल ले लेती हूँ, एडवांस ब्यूटी कोर्स का सारा मटेरियल मुझे लेना है, जैसे स्किन पॉलिशिंग है, हाइलाइट्स का सारा सामान लेना है। वैसे एक सेट तो मेरे पार्लर पे है, पर मैं क्लासेस स्टूडेंट के लिए वो सेट नहीं यूज़ करूँगी, वो कस्टमर लोगों के लिए रखूँगी, क्लाइंट लोगों के लिए। तो स्टूडेंट के लिए जो सेट मुझे चाहिए, और ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स के लिए भी मुझे चाहिए, वो सारा मटेरियल अब मैं जाके लेके आती हूँ। और गाइस और एक बात, हाँ गाड़ी ना बहुत परेशान कर रही है, स्टार्टर उसका पता नहीं उसको ठंडी लग जाता है, तो उसका स्टार्टर ना मॉर्निंग में चालू करते वक्त ना चालू ही नहीं होता है। तो फ्रेंड मैं क्या करती हूँ, कहीं रात को ना आते वक्त रुकती नहीं हूँ, क्योंकि दिन में गाड़ी बंद भी पड़ गई, नहीं स्टार्ट हुई, तो दिन में मैं गाड़ी वहीं छोड़ के आ सकती हूँ और किसी और को बोलूँगी कि जाके गाड़ी लेके आ, या मैकेनिक को ही बोल सकती हूँ। लेकिन अगर रात में गाड़ी किधर बंद पड़ी तो मेरे तो वाट लग जाएगी। तो गाइज इसलिए मैं रात को कहीं रुक नहीं रही हूँ, और रोज़ दोनों टाइम घर पे आके खाना, मुझे कंडाल आ गया वो घर का खाना खा के, मुझे थोड़ा सा बाहर का कभी कभी चटाकेदार चाहिए रहता है, तीखा वीखा। पर 8-15 दिन से तो मेरी यही हालत चालू है। तो गाइज अच्छा एक और बात, गाइज आप ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स देख रहे हो ना, 3 वीडियोस हुए हैं अभी, उसके बाद अभी आगे आगे ना, ये तो अभी मैंने बेसिक स्टार्ट किया है, पर आगे आगे मैं बहुत अच्छा अच्छा दिखाने वाली हूँ। तो आप ज़रूर से वो ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स मेरे के वीडियोस मेरे ज़रूर से देखिए। और एक बात, कल ना हमारे यहाँ मेरे पार्लर से थोड़ा सा आगे शूटिंग हो रही थी मराठी पिक्चर की, तो शूटिंग मतलब दोपहर को लंच टाइम, मुझे दोपहर को मालूम पड़ा कि वहाँ पे शूटिंग हो रही है, तो मैं गई देखने को, पर उनका लंच टाइम हुआ था, तो भी मैंने थोड़ा सा शूट किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ऐसा जूना टाइप का वो घर है, और वहाँ पे कोई पिक्चर की, मराठी पिक्चर की शूटिंग हो रही थी, और वो शूटिंग रात तक चल रही थी, पर मुझे रात तक फिर टाइम नहीं मिला जाने को, मैं दोपहर को थोड़ा सा जाके शूट करके आई। तो चलिए आप वो देखिए, और मैं पहुँचती हूँ पार्लर पे, ओके, तो मिलते हैं पार्लर पे जाके। तो गाइस देखा आपने वीडियो शूटिंग वाला। और कभी ऐसा लगता है थोड़ा सा शूटिंग में चांस मिल जाए तो कितना अच्छा। तो बस मैंने बाल इस तरह से टाई कर दिए हैं, क्योंकि स्कूटी पे बाल खुले पूरे उड़ जाएंगे, पार्लर पे जाके खोल डालूंगी। और प्ले स्कूल चालू हो रहा है, और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, और शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए आप ब्यूटी कोर्स में क्या सीखना चाहते हो। तो अब तो निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आपसे ही बातें करती रहूँगी, मुझे आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 अच्छा लगता है। और गाइस मुझे ऐसी तो एक चसक लग गई है ना ये यूट्यूब की, मैं आधी आधी रात को उठ के ना मेरे वीडियोस पे व्यूज़ कितने आए हैं वो देखती रहती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर कितने बढ़े हैं वो देखती रहती हूँ। तो बस पूरा दिन और पूरी रात बस मोबाइल लेती हूँ, और दो दो मिनट में कोई कितना भी मतलब बिजी इंटरेस्टिंग काम करती हूँ, पर फिर भी मुझे बीच में याद आ जाता है, एक मिनट के लिए मैं देख लेती हूँ कि कहाँ कितने व्यूज़ बढ़े हैं, कितना क्या हुआ है। तो गाइस ये इतना अच्छा नहीं है, और इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, इतना ज़्यादा भी मैं YouTube के पीछे दौड़ दौड़ के मेरा फ़ायदा नहीं है, और एकदम से पागलपन भी अच्छा नहीं है।
तो गाइस अब तो मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए, ओके मिलते हैं पार्लर पे जाके। नहीं फर्स्ट वालू गाउन है। हाँ एज गाउन एज 150 आ एक अच्छे हाँ पार्लर चेक किसूचे डॉल सॉप चे स्क्रीन को क्लीनिंग जेल स्क्रब लेफ्ट लोगों तो मिक्स चे मने आई के मने आपन जो ये चे एक અને હા ગ્લો ગેટર સ્ટિક ક્યાં ગ્લો વો શાઇનિંગ વાલા દોનો દિખા દોનો દિખા દોનો દિખા અહીંયા કાર્ડ ને એક જગ્યાએ મારો સામાન ક્યાં કાઢે છે પોલિશિંગ નું કાઢ્યું તે રેડિયન્સ ગ્લો કિટ આયે ગાઈસ મે ક્લિન્જિંગ જેલ સ્ક્રબ ઓર પેક તીન ચીજ આયે પોલિશિંગ માટે છે હા અને ગ્લો ગેટર સ્ટિક બતાવ કોન્સેપ્ટ સ્ટિક ગ્લો ગેટર સ્ટિક ઓઈલી મેકઅપ માટે આપણે મેકઅપ હા સ્ટિક હાઇલાઇટર બતાવ તો હાઇલાઇટર ગ્લો ગેટર સ્ટિક આવે છે જો અરે યાર गाइस आज है दूसरा दिन और कल मैं कुछ इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, थोड़ा सा जो जो शूट किया है वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब नेक्स्ट डे आज अब निकल रही हूँ पार्लर के लिए और कल मैंने एक व्लॉग बना दिया है ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स के लिए, 4 डे ऑफ ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स, उसमें मैंने हेयर कटिंग दिखाया है तो आपने तो वो देख ही लिया होगा ब्लॉग। अरे ब्लॉग क्या वीडियो आ गया है ना मेरा, इसके आगे ये वीडियो जब तक जाएगा ना तब तक वो वीडियो पब्लिश हो गया होगा। तो गाइस आपने देखा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा और बस मेरी लाइफ के थोड़ी बहुत अपडेट देने की रह जाती है क्योंकि ब्लॉग ना बनाओ तो कैसे मैं आपसे बात करूँ, वीडियो में तो उतना ही होता है, ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स के वीडियो में तो सिर्फ वो सिखाने का काम होता है। तो इसीलिए मैंने ये वाला ब्लॉग कल से कंटिन्यू किया था और कुछ ज़्यादा नहीं किया मैंने, उसमें थोड़ा सा पार्लर का मटेरियल लिया है वो सब आपको दिखाया है और जो जो मुझे बोलना था MCI की एग्ज़ाम्स के बारे में, अतिथि के एग्ज़ाम के बारे में, अतिथि की अभी एग्ज़ाम है ड्रीमी की 14 तारीख को, तो बस उसी के बारे में मुझे थोड़े बहुत अपडेट देने थे। और गाइज मैं थोड़ी बहुत टेंस हूँ एग्ज़ाम को लेके पर सब कुछ अच्छा ही होगा। चलिए और गाइस और क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, क्या चल रहा है वो तो आप मुझे बता ही नहीं रही हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या क्या चल रहा है। तो पार्लर पे थोड़ा सा बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मेरे पार्लर का जो भी ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स का वीडियो है ना आप ज़रूर से देखिए, उसमें मेरे पार्लर की पूरी मस्ती मज़ा सब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, सारे कैंडिड शूट्स सब रिकॉर्ड कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि रीटेक वगैरह हो रहा है कि कुछ नहीं, मजा मस्ती सब कुछ हम लोग ले रहे हैं। तो गाइस नेचुरल वे में मेरा वीडियो सारे शूट हो रहे हैं तो आप ज़रूर से मेरे ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स पे विजिट कीजिएगा, ओके गाइस। और तो क्या है, और मुझे बहुत सारा कुछ कुछ बताना था आपको जो मैंने सोच के रखा था पर जब मैं कैमरा स्टार्ट करती हूँ मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और मुझे ना बहुत जल्दी मची रहती है पार्लर पे पहुंचने की। देखिए अभी भी 9:25 हो गया है और निकलना है पार्लर पे क्योंकि पहुंचते पहुंचते लेट हो जाता है। और गाइस कल क्या हुआ पता है, मुझे ना कान का सेट लेना था जिसमें मुझे आपको एक ना ब्राइडल मेकअप दिखाना है ना, तो मुझे पूरा सेट लेना था गले का और कान का, और लकीली मेरी जो ब्रॉच वाली है वो कल आई थी लेके पर अभी कोई ऑर्डर नहीं है इसका ब्राइडल का, तो मैंने उसको उसका देखा ही नहीं कि वो क्या क्या लाई थी, तो अब मुझे उसको फ़ोन करके फिर से बुलाना पड़ेगा।
क्या जा, उसके पास ऑर्नामेंट्स भी थे, मैं देख लेती थी तो अच्छा होता था, थोड़ा सा अगर पसंद आता था तो ले लेती थी। अब मैं उसको स्पेशली बुलाऊंगी तो मुझे उसके पास से कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, नहीं पसंद आया तो भी। ऐसी तो मैं एब्सेंट माइंडेड हूँ गाइज, अब क्या करूँ। तो ठीक है, प्रेस वाले को मैंने मना कर दिया, मैंने बोला संडे को आना, अब मैं रोज डेली प्रेस के कपड़े नहीं दूंगी क्योंकि ना गाइस प्रेस वाले ने पैसा बढ़ा दिया है, तो बेकार में डेली का ये मैं तो देखो सुबह निकलती हूँ तो कपड़े चेंज करती हूँ, बाद में जब पार्लर पे वीडियो बनाती हूँ तो भी कपड़े चेंज करती हूँ, तो उसमें ना मेरे तीन तीन चार चार बार कपड़े चेंज हो जाते हैं, और तो इसीलिए मैं घर पे ही थोड़ा सा प्रेस मारने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने किया नहीं है कभी, आज तक नहीं किया है, पर मैं अभी घर पे ही थोड़े थोड़े कपड़े प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आज तो मैंने किया नहीं, आज सुबह लेट हो गया। आज खाने में मैंने वड़ी की सब्जी बनाई है और रोटी बनाई है, वो वड़ी भी ना गाइस मेरी एक है जो मुझे हमेशा वड़ी ला के देती है, तो इस बार उसने नई बनाई ना, तो टेस्ट के लिए मुझे ऐसे ही दे के गई है और पैसा भी नहीं लिया है, और बोला कल बना के देखना कैसी बनती है वड़ी, वो मूंग की दाल रहती है ना, उसको ऐसा थोड़ा मसाला डाल के ऐसे राउंड राउंड करके सुखाते हैं उसको, और उसके बाद सूखने के बाद वो स्टोर करके रख सकते हैं, तो उसको उसकी सब्जी बना सकते हैं, और सब्जी बहुत अच्छी बनती है गाइस उसकी, वड़ी की सब्जी, मूंग की दाल की वड़ी, तो वो मैंने सब्जी बनाई है और अब मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए, और ये वाला व्लॉग ना गाइस मैं यहीं पे शायद एंड कर दूंगी, पता नहीं, मैं आगे जाके देखूंगी पार्लर पे जाके कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, और बाद में हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस उसके पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स का मेरा फोर्थ डे का वीडियो ज़रूर से देखना, हेयर कटिंग इतना अच्छे से हुआ है ना, मतलब उसका बिफोर लुक और आफ्टर लुक बहुत चेंज हो गया है, मतलब मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा होगा, इतना इतना फ़र्क गिरेगा, तो वो वीडियो मेरा बहुत बहुत अच्छे से कटिंग हुआ है। तो गाइस और मैं तो जैसी थी वैसा ही मैंने वीडियो शूट किया है, लेकिन वीडियो अच्छा बना है, तो गाइस आप ज़रूर से देखिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आ रहा है सब कुछ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए आए हैं, और जो पुराने हैं वो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। तो गाइस मैं आगे आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डालने वाली हूँ, जैसे रिबॉन्डिंग का है, स्ट्रेटनिंग का है, सेटिंग है, रोलर सेटिंग वगैरह सब कुछ डालने वाली हूँ, हाइलाइट्स वगैरह के, ये मैंने अभी बेसिक से स्टार्ट किया है थोड़ा थोड़ा, तो आगे मैं पूरा एडवांस का भी डालने वाली हूँ, और गाइस सारी ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगी, हेयर फॉल ट्रीटमेंट है, पिंपल्स ट्रीटमेंट है, सारी ट्रीटमेंट आपको बताऊंगी, मुझे जितना आता है मैं सब कुछ आपको बताऊंगी गाइस। तो चलिए मिलते रहेंगे हाँ इसी तरह से हम, और मैं गाइस हाँ, और मैं सैटरडे और संडे को लाइव आती हूँ, सैटरडे को तो 100% आऊंगी इस बार, तो आप मेरा वो लाइव भी अटेंड कीजिएगा, ओके, सैटरडे नाइट या तो 10:30 या 11 o'clock, मैं कम्युनिटी टैब पे डाल दूंगी मैं कितने बजे लाइव आ रही हूँ, ओके, तो लाइव में भी मिलते हैं गाइस। लाइव में आती हो ना तो सबसे बात करके मुझे बहुत खुशी मिलती है, सच में बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। In that farm he had one duck. Hiya, hiya, ho, duck says. Bhavya, bhavya. Old MacDonald had a farm. Hiya, hiya, ho. In that farm he had one cat. आज ब्लू है पानी 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 और दिल है धानी 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 धानी। वाओ तुझे कोई आईडिया नहीं है।